तो वीडियो बिल्कुल स्किप मत कर रहे यार, यहाँ तो जो ऑनलाइन पढ़ने वाले हैं वो तो बिल्कुल ही वीडियो देखे ताकि उनको एटलीस्ट एक पर्सपेक्टिव मिल जाए सारी चीज़ों का कि क्या है क्या नहीं रहा। हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब, आ गया हूँ आज एक नई वीडियो के साथ। तो सबसे पहले तो यार सॉरी, मैंने इतनी देर से एक वीडियो नहीं डाली क्योंकि मेरे एग्जाम्स चल रहे थे, साथ में थोड़ी सिस्टम खराब हुआ पड़ा था यार, मतलब स्केड्यूल पूरा बिगड़ा हुआ था बिकॉज कॉलेज जा नहीं रहा था और घर पे बैठे बैठे मतलब थोड़ी चीज़ें खराब हुई पड़ी थी। पर मैंने कहा अब ट्रैक पे लाते हैं इनको और वीडियो रेगुलरली अपलोड करते हैं, मतलब जैसे मैं एक वीक में दो वीडियोज डालता हूँ, तो मैंने कहा दोबारा अपना वैसा ही स्केड्यूल शुरू करते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये रही कि मेरे थर्ड सेमेस्टर था और थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स चल रहे थे, तो मतलब अब मेरे तीन सेमेस्टर ख़त्म हो गए हैं, अब बस एक सेमेस्टर रह गया और वो ऑनलाइन है पूरा। तो ये तो थी सेमेस्टर की बात, और आज की वीडियो में मैं जो बात करने वाला हूँ, मैं सबसे पहले आपको बता दूँ मेरा ऑनलाइन एक्सपीरियंस कैसा रहा। मैंने तीन चार वीक्स जो पिछली पढ़ी वो ऑनलाइन पढ़ी, राइट, एग्ज़ाम्स भी ऑनलाइन दिए, तो उसका एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहा, तो मैं उस पूरी एक्सपीरियंस को इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। और सबसे पहले इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम की आईडी डिस्क्रिप्शन में पड़ी है, वहाँ पे आप मेरे को कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो और उसका आंसर मैं यूजुअली 24 आवर्स के अंदर ही दे देता हूँ, क्योंकि अगर कभी कभी यार 20-25 बंदों की रिक्वेस्ट आ जाए फिर एक एक को आंसर करने में टाइम लग जाता है, इसलिए आप मेरे को, मैं यूजुअली सबको आंसर कर देता हूँ, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ पर भी फॉलो कर लो। अब मैं बात करता हूँ सबसे पहले कि ऑनलाइन क्लासेस, जैसे कि आपको पता है यार कि ऑनलाइन क्लासेस जब डिक्लेयर कर दी कॉलेजेस ने, तो ऑनलाइन होने के बाद अब सारा एक वीक का ऑफ मिल गया था, उसके बाद हम सारे घर पे ही ऑनलाइन पढ़ रहे थे। तो सबसे पहली बात जो मैं फोकस मतलब डालना चाहूँगा उस चीज़ पर कि देखो अब ऑनलाइन का क्या सिस्टम है, सबसे पहले तो यार पूरे दिन का स्केड्यूल बिगड़ जाता है। देखो अब मैं मतलब मेरे लिए मैं बता रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है ये, मैं आप सबके लिए ऐसा नहीं बोल रहा कि हर एक के साथ ऐसा हो। अब मेरा ऐसा था कि मैं सुबह 7 बजे उठता था, अगर मेरा 9 बजे कॉलेज हो 8 बजे तक रेडी होके कॉलेज के लिए निकल जाओ, बट अब क्या हो गया था 9 बजे कॉलेज या 8:30 उठो ऐसे, क्योंकि अब हमें तो उधर बस अटेंड करनी है क्लास, राइट, वो चीज़ हो गई, तो पूरा स्केड्यूल मतलब अच्छे से सिस्टम बैठ नहीं रहा था, क्योंकि मैं प्रेफर करता हूँ कॉलेज जाऊँ और कॉलेज में सबके साथ क्लासेस लगाऊँ। दूसरी बात ये थी, अब जब देखो लैब्स होती हैं कुछ कुछ सब्जेक्ट्स हैं, जैसे अब मेरे कंप्यूटर नेटवर्किंग कर रहा हूँ तो उसमें मोस्टली लैब्स ही होंगी, राइट, हर सब्जेक्ट की कुछ ना कुछ लैब्स थी। तो अब लैब्स में यार ऐसा सिस्टम होता है कि लैब्स थोड़ी सी मतलब ट्रिकी होती हैं, डिफ़िकल्ट होती हैं, ताकि वो हमें चैलेंज कर सके, राइट, उसके लिए मेरा ऐसा मानना है कि यार अगर पूरी क्लास या अपने फ्रेंड साथ में हो, तो जैसे अगर एक को कुछ प्रॉब्लम का मिल जाए आंसर, दूसरे को कुछ का मिल जाए, मतलब एक साथ अगर उस चीज़ को टैकल किया जाए तो वो ज़्यादा जल्दी टैकल हो जाती है, इंस्टेड अब एक घर पर बैठा है दूसरे को कॉल कर रहा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा जो 1-2 घंटे की लैब है वो 2 दिन तक लटक सकती है, मतलब ये मेरा मैंने जो नोटिस किया इन कुछ दिनों में। और तीसरी चीज़ ये है कि जो क्लास में लेक्चर में बैठ के कंसंट्रेशन बनती है पूरी टीचर की तरफ, वो चीज़ ऑनलाइन नहीं हो सकती मेरे को जैसा लगा, मतलब क्योंकि यार मैं ऑनलाइन अगर मतलब बंदा टीचर पढ़ा रहा है, टीचर अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं यार, इवन दो अगर वो घर पे भी हैं वो अपनी तरफ से सारी चीज़ें पूरी स्लाइड सब कुछ अपलोड कर रहे हैं, सारा मटेरियल हमें दे रहे थे, वो ऐसा कुछ नहीं है, बट हमारा मतलब मेरी कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा, मतलब पढ़ लिया मैंने ऑनलाइन में भी, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि जो क्लासेस हैं वो ज़्यादा अच्छे में होता है। तो क्लासेस में बैठने में से ये है कि यार सबसे पहले तो पूरा एक गैदरिंग बनी होती है, मतलब एक अगर उस इन्वायरमेंट में पढ़ा जाए तो आपको पता ही है कि ज़्यादा मज़ा आता है पढ़ने का, और अगर आप खाली अकेले बैठे हो और अकेले में ऑनलाइन लगे हो तो कुछ इतना मतलब मुझे अच्छा नहीं लगा। अब कोई ऑप्शन भी नहीं है यार इस सिचुएशन में, क्योंकि आपको पता है सिचुएशन दिन बर दिन ख़राब हो रही है, तो अब इसमें और कोई ऑप्शन तो है नहीं, अब स्टडी तो वो रोक नहीं सकते, उसके लिए अब उन्होंने अगला सेमेस्टर पूरा ही ऑनलाइन कर दिया, मतलब 19 मई से लेकर 14 अगस्त तक मेरा पूरा सेमेस्टर है अगला 4th, और वो पूरा का पूरा ऑनलाइन है। अब मुझे नहीं पता लैब्स का क्या होगा कैसा नहीं होगा, क्योंकि इस सेमेस्टर में तो यार आधा सेमेस्टर हो चुका था क्लास में, तो मुझे मतलब हमें पूरे कोर्स का आइडिया था क्या क्या है, अब इस बार तो हमारे लिए भी बड़ी फ्रेश चीज़ है कि ऑनलाइन पढ़ना, शायद डेफर का भी ऑप्शन था हमें भी कि हम एक सेमेस्टर ब्रेक लेके अगले सेमेस्टर कर लें ज्वाइन, पर मैंने कहा यार अब मैंने एक ऑलरेडी ब्रेक ले ली हुई है तो फिर मैं वो चीज़ नहीं करूँगा। तो यही सारी चीज़ें थी कि जो मतलब मेन हमें मेरे हिसाब से मेरा व्यू जो ये है कि इन क्लास पढ़ना ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा अच्छा है, तभी मैंने बोला था कि जो जो डेफर करवा सकता था सेप्टेम्बर इनटेक पे वो डेफर करवा दो, अगर नहीं करवा सकते तो यार और कोई ऑप्शन नहीं है, बट स्टिल मतलब ये सिस्टम था कि ऑनलाइन पढ़ने में और क्लास में पढ़ने में क्या डिफरेंसेस थे। अब एग्ज़ाम्स की बात की जाए तो एग्ज़ाम्स भी ऐसे ही थे यार, टीचर्स एग्ज़ाम्स अपलोड करते थे, हमें उनको करके दे देना था, मतलब जो बात यार
क्लास में बनती है, आप समझ रहे हो ना कि जो क्लास में बैठने का माहौल है, जो स्ट्रिक्टनेस, वो सब क्लासेस में ही हो सकता है, ऑनलाइन में इतना ज़्यादा कुछ है नहीं। और ऑनलाइन में जो चीज़ें सीखने वाली हैं, टीचर्स को बार बार पूछना है एक चीज़ के बारे में, इवन तो हम अभी भी मेल करेंगे वो 24 आवर्स के अंदर रिप्लाई आ जाएगा, बट जितना मतलब अगर बंदा फेस टू फेस इंटरेक्शन से जो चीज़ें सीख सकता है वो चीज़ें ऑनलाइन नहीं सीख सकता, ये दिक्कत है। क्योंकि ऑनलाइन कोर्सेज करने में आपको कोर्स तो कंप्लीट हो जाएगा, बट जितना आपने उस कोर्स से गेन करना था वो शायद आप उतना गेन ना कर पाओ। जैसे 100% अगर आपने सीखना था कुछ, वो आपका वो 60-50 पे ही रह जाएगा, और आपको अपने डाउट्स खुद भी क्लियर करने पड़ेंगे। अगर आप कोई कॉन्सेप्ट ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो उसको आपको फर्दर स्टडी करके अच्छे से मतलब उसके बारे में जान के, ताकि आपको कोई भी चीज़ अटके ना। क्योंकि यार अगर एक कॉन्सेप्ट आप सीख रहे हो, अगर आपको वो कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं समझ लगा तो अगला कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ नहीं लगेगा, राइट। और लैब्स अगर ऐसी चीज़ हैं कि जहाँ पे अगर समझ लो कई कई कोर्सेज तो सैनिका वालों ने या हर कॉलेज ने ड्रॉप ही कर दिए कि वो कोर्सेज। अब मेरा एक रूममेट है वो आई थिंक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिकल के इलेक्ट्रॉनिक्स आई डोंट नो, वो ऐसे कर रहा है, तो उसके कोर्सेज कुछ ड्रॉप कर दिए हैं कि मतलब क्योंकि वो लैब इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं और घर पे लैब इक्विपमेंट्स हैं नहीं, तो वो उन्होंने अगले सेमेस्टर के लिए कोर्स ही नहीं रखे, तो अल्टीमेटली उनका पूरा ड्रॉप आ गया। तो ये भी है यार। और हमारे जो कोर्सेज हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग के, मोस्टली लैपटॉप से हो जाते हैं, बट स्टिल अगर कुछ डाउट्स हो तो टीचर से बात करनी पड़ती है, तो इसीलिए फेस टू फेस इंटरेक्शन बेटर थी। बट अब एट द एंड ऑफ द डे चॉइस तो हमारे पास कुछ नहीं है, बट यही था कि मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि मैं मतलब ऐसा नहीं बोलूंगा बिल्कुल ही नहीं अच्छा लगा, बट आई वुड प्रेफर इन क्लास जो क्लासेस होती हैं वैसे ही इन पर्सन क्लासेस ही बेटर है रेदर देन ऑनलाइन क्लासेस। तो मैं एक अगली वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ, उस वीडियो में मैं बताऊंगा कि डेफर करना और ऑनलाइन लगाना दोनों के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ताकि आपको एक पूरा आइडिया मिल जाए कि क्या क्या अगर हम मिस करेंगे अगर हम डेफर करेंगे या क्या ऑनलाइन करेंगे। तो मतलब ये पूरा ओवरव्यू मैं आपको दे दूंगा अगली वीडियो में, तो ज़रूर बने रहना। और आगे मेरे यार मैंने फ़ीस, जैसे कई लोग पूछ रहे थे आपने फ़ीस अपनी खुद निकाली कैसे निकाली, तो वो भी वीडियो आने वाली है बहुत जल्द, पूरा मैं आपको मतलब ब्रेक डाउन करके दिखाऊंगा सारी चीज़ों का कि मैंने कैसे कैसे फ़ीस निकाल ली। तो उसके साथ भी बने रहना ताकि आपको पूरा आइडिया हो जाए कि जो जो बच्चों के डाउट्स होते हैं कि अब फीस निकल सकती है या नहीं निकल सकती, वो मतलब मैं आपको पूरी वीडियो में बताऊंगा। मैं ऐसे नहीं बोलूंगा हर एक बच्चे की निकल जाएगी, पर मैं ऐसे भी नहीं बोलूंगा किसी की भी नहीं निकलेगी। तो मैं आपको पूरा बताऊंगा कि मैंने कैसे निकाली, मैंने क्या क्या चीज़ें की, तो वो पूरा चैनल के साथ बने रहना, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और नई वीडियोज़ आने वाली हैं। बस अब यही बोलना था, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।